नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेटिजन ट्यूटर पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपसे हरियाणा कॉन्स्टेबल की आज हुई कोर्ट में हियरिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसी प्रकार के जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट या रिजल्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल नेटिजन ट्यूटर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आने वाली कोई भी न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपकी कोर्ट में हियरिंग थी, जो कि हमें उम्मीद थी कि शायद हमारे फेवर में डिसीज़न आएगा कोर्ट का और आपकी जो ज्वाइनिंग पर स्टे लगी हुई है वो हट जाएगी, लेकिन दोस्तों जैसा कि हरियाणा ने रिकॉर्ड बना रखा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने आपको नेक्स्ट हियरिंग डेट दी है जो कि है आपकी 30 अगस्त। ठीक है, उन्होंने हरियाणा सरकार, हरियाणा आयोग से जो कॉन्स्टेबल की कॉपीज़ हैं, डेटा है, वो उन्होंने मांगा है, जिससे कि वो नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस कैसे अप्लाई किया गया है उससे वो समझ सकें। तो उन्होंने जो नेक्स्ट डेट है वो 30 दी है। तो अब दोस्तों, आज यहाँ पर आपका फाइनलिटीज डिसीज़न नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ 30 को वो फाइनल डिसीज़न ले लेंगे। सारा डेटा दोबारा से इवेल्यूएट किया जाएगा, जिसके बाद आपको 30 अगस्त को शायद फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, फ़िलहाल में जो आपकी ज्वाइनिंग पर स्टे लगी हुई थी वो कंटिन्यू है, वो नहीं हटाई गई है। तो यहाँ पर दोस्तों यही अपडेट थी आप सभी के लिए। तो आपको 30 तक का वेट और करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के और अपडेट पाने के लिए नेटिजन ट्यूटर के साथ जुड़े रहें।